दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान से टेंशन में आई पुलिस, कहीं फिर से मामला ना बिगड़ जाए, संसद भवन तक किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन और 29 नवंबर को संसद भवन पर ट्रैक्टर से कूच करने को लेकर पदाधिकारियों को तैयार रहने का आह्वान किया है। वहीं कल यूपी गेट पर समीक्षा बैठक के बाद किसानों ने मार्च भी निकाला। किसानों ने नारेबाजी व दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए एक्सप्रेसवे पर लगी बैरिकेडिंग तक रिहर्सल किया। संसद तक ट्रैक्टर रैली के ऐलान से पुलिस टेंशन में है, क्योंकि उसके सामने 26 जनवरी जैसी स्थिति ना पैदा होने देने की चुनौती है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को एक साल पूरा हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन और 29 नवंबर को संसद भवन पर ट्रैक्टर से कूच करने की प्रस्तावित योजना है। इसको लेकर यूपी गेट पर कल पश्चिमी यूपी के मंडल व जिला पदाधिकारियों व मुरादाबाद मंडल पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एक साल होने को है, सरकार किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। बिना मांग पूरी हुए किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। पदाधिकारी व कार्यकर्ता अब लंबे आंदोलन के लिए अपनी कमर कस लें, अपने अपने टेंटों को दुरुस्त कर लें, खाने पीने से लेकर सर्द मौसम के जरूरी सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार किसानों को थकाना चाहती है और किसान थकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक के बाद किसान मंच के सामने से नारेबाजी करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर व NH9 पर रखे बैरिकेडिंग तक पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोल दिया है, अब बेरोक टोक पैदल या फिर वाहन से लोग दिल्ली जा सकते हैं। किसान ट्रैक्टरों से 29 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए पैदल मार्च का रिहर्सल किया गया। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लंबे आंदोलन के लिए कमर कसने के लिए कहा है, अपने अपने टेंटों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि खाने पीने से लेकर सर्द मौसम के जरूरी सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, सरकार किसानों को थकाना चाहती है लेकिन किसान थकने वाले नहीं है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, यात्रियों को मिली बड़ी खुशखबरी, स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल किराया हुआ खत्म, अब कोरोना काल से पहले की तरह चलेंगी सभी ट्रेनें। ये आपको बता दें कि कोरोना का प्रभाव कम होते ही रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों को कोरोना के पूर्व की स्थिति में बहाल करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 2 से 4 दिन में सभी ट्रेनें सामान्य नंबरों से चलने लगेंगी, यानी नंबरों से अब 0 हटा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में स्पेशल श्रेणी होने के बाद किराया बढ़ा दिया गया था, वो भी पहले की तरह कम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, यानी बगैर आरक्षण के सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सफर के दौरान कंबल और चादर नहीं दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मौजूदा शताब्दी, राजधानी, दुरंतो मेल और एक्सप्रेस सभी मिलाकर 1744 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के रूप में चल रही हैं, यानी नंबर के पहले 0 लगा हुआ है, लेकिन जल्द ही ये ट्रेनें सामान्य नंबरों से चलने लगेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के स्पेशल बनने के बाद उनका किराया भी बढ़ा दिया गया था। रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह किराया भी कोरोना से पूर्व जितना हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, यानी सभी ट्रेनें कोरोना से पहले की स्थितियों में बहाल कर दी जाएंगी। बोर्ड के अनुसार सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 2 से 4 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद कोरोना से पहले की स्थिति में सभी ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का सपा में विलय करने को भी तैयार हैं शिवपाल यादव। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए जरूरी हुआ तो वे सपा में विलय को भी तैयार हैं। उन्होंने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देने की घोषणा के साथ ही पुरानी पेंशन भी बहाल करने का ऐलान किया है। भाजपा पर धर्म के नाम पर सियासत
भारत का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने तथा हर साल 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार केवल धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोटे दलों से तालमेल की सलाह दी है। जरूरत पड़ी तो हम प्रसपा का विलय करने को भी तैयार हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार बनी तो प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देंगे, डीजल पेट्रोल व गैस के दाम भी कम करेंगे, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी स्तर से 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम गठबंधन ही नहीं भाजपा को हराने के लिए विलय करने को भी तैयार हैं। और ये बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। ये आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस लोगों को डिजिटल तरीके से भी अपने साथ जोड़ेगी। रविवार से शुरू होने वाले इस अभियान से जुड़ने के लिए पार्टी ने एक नंबर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस पर मिस कॉल देकर पार्टी की महंगाई के खिलाफ मुहिम का समर्थन कर सकता है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोई भी व्यक्ति 1800-212-00001 पर मिस कॉल दे सकता है। यदि आप भी महंगाई के खिलाफ मिस कॉल करना चाहते हैं तो 1800-212-00001 पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि मिस कॉल देने पर लोगों को एक SMS मिलेगा, इसके साथ एक डिजिटल फॉर्म आएगा। फॉर्म को भरकर लोग जन जागरण अभियान के प्रति अपना समर्थन जता सकते हैं। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे। वे जनसंवाद और दूसरे संपर्क कार्यक्रमों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए बड़ी संख्या में लोगों, खासकर महिलाओं को महंगाई के खिलाफ आंदोलन से जोड़ा जाए। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर से लेकर मार्च तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा तेल, रिफाइंड नमक और दाल। ये आपको बता दें कि अब राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ साथ नमक, दाल, चना, सरसों का तेल, रिफाइंड भी 4 महीने तक बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए सप्लाई विभाग के द्वारा खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिसंबर से मार्च तक ये सभी वस्तुएं अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क दी जाएंगी। सभी वस्तुओं की सप्लाई नेफेड द्वारा ब्लॉक स्तरीय गोदामों से की जाएगी। प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव विनोद कुमार ने आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र जारी करा, दिसंबर से मार्च 2022 तक फ्री राशन देने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार अब गेहूं और चावल के साथ साथ 1-1 किलो चना, सरसों का तेल और आयोडाइज्ड नमक भी देगी। आपको बता दें कि DSO नीरज कुमार सिंह का कहना है कि राशन कार्ड धारकों को फ्री नमक, सरसों का तेल, रिफाइंड दाल, चना आदि वितरण कराने के लिए नेफेड के द्वारा ब्लॉक स्तर के गोदामों से वितरित होगा। दिसंबर से मार्च तक हर महीने मिलेगा। आपको बता दें कि यानी कि उत्तर प्रदेश में दिसंबर से लेकर मार्च तक यानी 4 महीने तक अब फ्री में तेल, रिफाइंड नमक और दाल मिलेगी। और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, 2 दिन का फिर से लग सकता है लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे और दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे सख्त कदम तत्काल उठाने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा, आखिर अब तक सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली नष्ट करने के लिए किसानों को मुफ्त में मशीन क्यों नहीं दी जा रही। कोर्ट ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, घर में भी मास्क लगाने जैसी स्थिति है। पीठ ने साथ ही सवाल किया है कि सिर्फ पराली की बात क्यों हो रही है, पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हमें बताएं कि हम AQI यानी वायु गुणवत्ता को 500 से कम करके तत्काल 200 अंक तक कैसे ला सकते हैं, कुछ जरूरी उपाय करें। आप चाहें तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं लेकिन प्रदूषण को कम करें। आपको बता दें कि दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई शहरों में प्रदूषण से हालत बेहद गंभीर है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घेरा है और 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।
और ये बड़ी खबर, यूपी में पूरे तरीके से पॉलीथिन पर रोक लगाने की बड़ी तैयारी, चलेगा बड़ा अभियान। ये आपको बता दें कि शहरों में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से रोक लगाने के लिए शहरों में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को चलाने के लिए प्रदेश के 734 निकायों को 23.86 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में निकायों को आदेश भी भेज दिया है। प्रदेश सरकार ने मानक के विपरीत प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। केंद्र सरकार चाहती है कि मानक के विपरीत प्लास्टिक पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाए। इसके लिए राज्यों को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया जाएगा। इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की सभा को पुलिस प्रशासन ने नहीं दी इजाजत, तैयारियां रुकवाई, थाने में धरने पर बैठे AIMIM के नेता। ये आपको बता दें कि मेरठ के नौचंदी मैदान में होने वाली ओवैसी की सभा को पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। रात के समय पुलिस ने अनुमति नहीं होने का हवाला देकर टेंट और व्यवस्था को हटाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध पर हंगामा कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थाने में धरने पर बैठ गए। बाद में SPCT मौके पर पहुंचे और मामला संभाला। सपा के लिए कोई अन्य जगह चिन्हित करने की बात पर देर रात सहमति बनी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा नौचंदी ग्राउंड में प्रस्तावित थी। हालांकि इस जनसभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया और रात के समय नौचंदी पुलिस नौचंदी मैदान पहुंची और वहां लगाए टेंट और बाकी सामान हटाने का काम शुरू करवा दिया। पुलिस ने तर्क दिया कि यहां कोई भी जनसभा कराने की अनुमति नहीं है, इसलिए कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। इसी सूचना पर AIMIM के पूर्व मेयर माजिद खान, यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत दर्जनों पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। हंगामा हो गया और उसके बाद सभी पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर धरना दे दिया। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को जल्द न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।